खबर चितरंगी विकासखंड के ग्राम पंचायत क्षेत्र खटाई से है, जहां पर 16 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन खटाई में नव निर्वाचित सरपंच हीरामन साहू की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में राज्य शासन के आदेश अनुसार जिला कार्यालय से जारी एजेंडा के 26 बिंदुओं का वाचन किया गया तथा उपस्थित जनता के द्वारा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रति आवेदन लिया गया और पंचायत स्तर से ऊपर वाले अधिकार क्षेत्र के आवेदनों पर समझाइश दी गई। उक्त कार्यक्रम में नोडल जयकांत कुमार, उप सरपंच दिलीप गुप्ता, सचिव रामाधार केवट, रोजगार सहायक राजेश गुप्ता सहित कई पंचों की उपस्थिति के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में ग्राम सभा में ग्रामीण उपस्थित रहे। चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खटाई के उप सरपंच दिलीप कुमार गुप्ता जी हैं। आज ग्राम पंचायत की ग्राम सभा थी। इस ग्राम सभा में अभी कुछ प्रस्ताव आए और क्या क्या कार्रवाई हुई है, प्रस्ताव पारित किए गए, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी थोड़ा बताइए। आज हमारे ग्राम पंचायत में 3 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें से आज खटाई ग्राम की ग्राम सभा का आयोजन माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हो रही है, जिसमें स्थानीय कार्य सूची के अलावा कुल 26 बिंदु अपने माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिए गए हैं। उन कार्यों पर विधिवत रूप से चर्चा की गई हमारे नोडल अधिकारी महोदय और ग्राम पंचायत के सचिव माननीय अपनी अध्यक्ष महोदया, मतलब जो सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, उनके अनुमति के अनुसार ये कार्यवाही की गई और जितने भी समस्याएं ग्राम पंचायत की आई हैं स्थानीय कार्य की, उनकी सूची तैयार कर ली गई है और उनके निराकरण के लिए भी अपन पूरा प्रयास करेंगे ताकि आगामी ग्राम सभा में उसका समुचित वाचन किया जा सके। और जो भी आवेदन हैं उन आवेदन का हम पावती भी दे रहे हैं। कुछ गंभीर समस्याएँ हैं लोगों की, जैसे जिनका आवास है प्रधानमंत्री आवास, उसमें मजदूरी संबंधी भुगतान की कुछ समस्याएं हैं लोगों की, और कुछ हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, पेंशन और गरीबी रेखा संबंधित जुड़ी समस्याएं, सभी के लिए आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं और अभी आवेदन आ भी रहे हैं। ग्राम सभा चल रही है, स्थानीय कार्य की सूची भी बनाई जा रही है। हमारे बीच में संकुल प्राचार्य खटाई जयकांत कुमार जी हैं, जो आज नोडल अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत खटाई में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के ग्राम सभा में क्या एजेंडा था और क्या कार्रवाई की गई। कार्यालय कलेक्टर पंचायत जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश के आदेशानुसार आज ग्राम पंचायत क्षेत्र खटाई ग्राम पंचायत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, यानी ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जो शासन के निर्देशानुसार जो एजेंडा दिए गए हैं जी, उन एजेंडों पर विस्तृत रूप से चर्चाएं किए गए जी, और ग्रामवासियों से ये भी कहा गया कि अपनी अपनी समस्याएं जो भी हो तो लिखित में प्रस्तुत करें, मौखिक तौर पर ठीक नहीं होंगे, बेहतर यही होगा कि लिखित में दिया जाए और उस पर गंभीरता पूर्वक माननीय सरपंच महोदय इस बात को लिए कि जो ग्राम पंचायत के जो भी समस्या हो वह हमारे पास दीजिए, अगले ग्राम सभा तक मैं निदान करने का प्रयास करूंगा। अगर हमारे पंचायत में ये बजट होंगे, हमारे पंचायत में विकास के योजनाएं आएंगे तो उसको भी हम तत्काल प्रस्तुत लागू करेंगे। साथ ही साथ यहाँ आम नागरिक एवं ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा कुछ समस्याएं ऐसे भी आए जो ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं थे, उनको समझाइश दे करके उनको बताया गया कि इस लिंक में आप जाइए और इन समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर चर्चा किए गए। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु के तौर पर माना जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, हर घर जल कार्यक्रम, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, अमृत सरोवर संरचना, रख रखाव एवं उपयोग पर चर्चाएं भी किए गए। ऐसे आपके बिंदु
26 बिंदुओं पर बारी बारी से चर्चाएं किए गए और हर बिंदु पर गंभीरतापूर्वक समझाइश भी दिए गए और चर्चा में बहुत सारी बातें आएँ जिसको हमने नोट करके रखा है, जो जरूरत पड़ने पर उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। सर, अभी तक कितने आवेदन